हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास टेंथ का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है हमारे पास, एन एग्रीकल्चर फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 20 मीटर एंड विड्थ 14 मीटर। अ 10 मीटर डीप वेल ऑफ डायमीटर 7 मीटर इज डिग इन अ कॉर्नर ऑफ द फील्ड एंड द अर्थ टेकन आउट ऑफ द वेल इज स्प्रेड इवनली ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड, फाइंड द राइज इन इट्स लेंथ। हमें बोला जा रहा है कि कोई एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है। हमें बोला कि हमने उसके बिल्कुल कोने पे एक कुआ खोदा, उस कुएं से जो मिट्टी निकली उस मिट्टी को हमने पूरे खेत पे जो है वो इवनली बिछा दिया। हमें ये पूछ रहे हैं कि मिट्टी बिछाने के बाद जो खेत की हाइट है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सपोज ये हमारा एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक खेत है हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप का। सपोज ये ए बी सी डी, हमें इसकी लेंथ गिवन है 20 मीटर की और जिसकी चौड़ाई है वो हमें गिवन है 14 मीटर। ये हमें गिवन है 14 मीटर। हमने इसके कोने पे, किसी भी एक कोने पे हमने जो है वो इसके एक कुआ खोद दिया। कुआ जो है वो ऊपर से देखने में तो जो है वो सर्कल शेप का ही होगा, भले वो उसका जो सिलेंडर होगा वो जमीन के अंदर की तरफ होगा। जब हम इसको ऊपर से देखेंगे, अगर हम इसको ऊपर या किसी एयर मोड में जब हम जाके देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से हमें ऐसे नजर आएगा कि खेत के ऊपर एक सर्कल लगा हुआ है, क्योंकि ऊपर से जो कुएं की शेप होगी वो सर्कल जैसी होगी, तो ऊपर से एक सर्कल जैसा नजर आएगा। इसकी जो गहराई होगी वो खेत के अंदर की, हमने इसमें खोदते टाइम इसमें के अंदर से जो मिट्टी निकली उस मिट्टी को इस पूरे खेत में जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस मिट्टी को बिछाने के बाद इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। हमें वही पूछना है कि इसकी हाइट कितनी इंक्रीज हो जाएगी। पहले तो हमें सिचुएशन को समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी मिट्टी निकलेगी, जो भी इसका वॉल्यूम होगा, कुएं का जो वॉल्यूम होगा, उतनी ही मिट्टी बाहर आएगी। वो सारे की सारी मिट्टी कहाँ बिछाई जाएगी, वो खेत में बिछाई जाएगी, लेकिन इस हिस्से पे नहीं बिछाई जाएगी क्योंकि ये कवर हो गया है, ये तो खाली जगह, यहाँ पे नहीं बिछाना है। इस जगह को छोड़ के बाकी यहाँ सारा और यहाँ भी जो है वो सारी जगह पे जो है वो मिट्टी को बिछाया जाएगा, लेकिन इस वाले पार्ट पे नहीं बिछाया जाएगा क्योंकि अब ये कुआ है, इस वाली जगह पे मिट्टी नहीं बिछाई जाएगी। मतलब कि हम जो मिट्टी बिछाएंगे वो कहाँ कहाँ बिछाएंगे, पूरे स्क्वायर के एरिया में से माइनस करना पड़ेगा इस सर्कल के एरिया को। पूरे स्क्वायर के एरिया में से हमें माइनस करना पड़ेगा इस सर्कल के एरिया को, क्योंकि इस सर्कल वाले पार्ट पे, इस सर्कल वाले एरिया पे हमने मिट्टी नहीं बिछाई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जो हमें डायमेंशंस गिवन है वो सारी लिखते हैं। लेंथ ऑफ फील्ड हमें गिवन है, लेंथ ऑफ फील्ड ये हमें कितनी गिवन है, ये हमें 20 गिवन है। और हमें क्या गिवन है, विड्थ गिवन है इसकी, विड्थ जो है हमें 14 मीटर गिवन है। जो वेल का जो डायमीटर है वो हमें गिवन है, डायमीटर डी वेल ऑफ डायमीटर है, इसका जो वेल का डायमीटर है वो हमें गिवन है 7 मीटर। तो इसका रेडियस हो जाएगा 7/2 मीटर और इसकी जो हाइट है, इसकी जो गहराई है वो हमें गिवन है, हाइट हमें गिवन है 10 मीटर। मतलब कि इस कुएं को जो है वो 10 मीटर गहरा खोदा गया है। तो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ, हम यही निकालेंगे कि कितनी मिट्टी बाहर निकली है। तो उसके लिए हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा वेल है वो एक सिलेंड्रिकल शेप में होगा। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ वेल निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिप निकाल लेते हैं, वॉल्यूम हमने जो है वो जमीन को खोदा वो इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर, सिलेंडर का सिर्फ पाई आर स्क्वायर है जो था, तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस है हमारे पास 7/2 × 7/2, हाइट हमें इसकी गिवन है 10, तो 7 से 7 के आंसर ये हो गया 11, ये हो जाएगा हमारे पास 770/2, ये हो जाएगा 3, 2 3 6, 2 8 16, 285 मीटर, मीटर का क्यूब, इतनी मिट्टी जो है वो हमारे पास आएगी 385, इतनी मिट्टी हमने यहाँ से निकाल ली है। अब वो मिट्टी बिछेगी कहाँ पे, इसके ऊपर, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग फील्ड, तो हम रिमेनिंग फील्ड का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वो क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग फील्ड, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पूरे रेक्टेंगल का एरिया, वॉल्यूम एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस, इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि जो ऊपर से है कुआ जो है वो ऊपर से सर्कल जैसा नजर आएगा, इसलिए एरिया ऑफ सर्कल इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ये जो भी आएगा इसको इसकी हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो रेक्टेंगल वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल होगा वो होगा LBH, इसलिए हमने उसको H के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, वो आ जाएगा हमारे पास 20 × 14, इसमें से माइनस क्या करना है, इसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 7/2 × 7/2 × H, 7 से 7 का आंसर ये हो जाएगा हमारे पास 11, यहाँ पे आ गया 28 × 77/2 × H, ये आ गया हमारे पास जो हमने जिस पार्ट पे हमने जो है वो मिट्टी बिछानी है, साथ में कितनी हाइट हुई है, हाइट हमें नहीं पता, मिट्टी बिछाने के बाद जो फील्ड की हाइट कितनी बढ़ गई है वो हमें नहीं पता, इसलिए हम उसको H मान के चल रहे हैं, और ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, ये वॉल्यूम उतना ही होगा जितनी हम उसके ऊपर मिट्टी बिछाने वाले हैं, तो इसको इक्वल टू 385 रखते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 280 − 772 × height, ये इक्वल टू होगा हमारे पास 385। अगर हम इसको सोल्व कर ले तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 × 8 16 1 carry 2 4 5 60 − 77/2 × H = 385, 560 में से 77 माइनस करें ये तो हमारे पास आ जाएगा 60 उधर गए 17 उधर आएंगे, तो ये हो जाएगा 483 / 2 × H = 385, H = हो जाएगा हमारे पास 385 × 2 / 483। इसको जब हम पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.594 मीटर, ये हो जाएगी हमारे पास हाइट जो हमारे फील्ड की इंक्रीज होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये ध्यान रखना था तो जो मिट्टी है वो किस पार्ट पे बिछने वाली है, वो इस पूरे रेक्टेंगल में से इस सर्कल को माइनस करना था, तो हमारे पास एरिया आ जाता, एरिया को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।